हाय फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सल्फर की एलोट्रॉपिक फॉर्म्स। सल्फर जो है हमारा एक से ज्यादा फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो उन फॉर्म्स को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो जो मेन हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं वो कौन कौन सी फॉर्म्स हैं इसकी, दैट इज द येलो रोम्बिक, दैट इज द अल्फा सल्फर, और मोनोक्लिनिक, दैट इज द बीटा सल्फर। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, जो रोम्बिक फॉर्म है इसकी दैट इज द अल्फा सल्फर, और जो इसके यहाँ पे मोनोक्लिनिक फॉर्म है दैट इज द बीटा सल्फर। इन फॉर्म्स को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जो हमारी इसमें से स्टेबल फॉर्म है वो कौन सी है, रोम्बिक सल्फर। एंड ये जो रोम्बिक सल्फर है हमारा, ये क्या करता है, ये कन्वर्ट होता है मोनोक्लिनिक सल्फर में अगर टेम्परेचर जो है हमारा वो क्या है, ग्रेटर देन है 369 केल्विन। तो उस टेम्परेचर पे हमारा जो रोम्बिक सल्फर है वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू द मोनोक्लिनिक सल्फर। ये यहाँ पे हमारा ये रोम्बिक फॉर्म है एंड इट इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू द मोनोक्लिनिक सल्फर एट अ सर्टेन टेम्परेचर। सबसे पहले आता है यहाँ पे हमारा रोम्बिक सल्फर, दैट इज द अल्फा सल्फर। तो ये जो एलोट्रॉपिक फॉर्म है हमारी, ये येलो कलर की होती है और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है दैट इज अराउंड 385.8 केल्विन, और इसकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है इट इज अराउंड 2.06। तो यहाँ पे हमारा जो रोम्बिक सल्फर है उसके क्रिस्टल्स फॉर्म होते हैं ऑन इवेपोरेटिंग द सॉल्यूशन ऑफ द रोल सल्फर इन CS2। तो रोम्बिक सल्फर के जो क्रिस्टल्स हैं वो कब फॉर्म होंगे, जब हम अपने रोल सल्फर को जो हमारा CS2 में प्रेजेंट है इसके सॉल्यूशन को हम इवेपोरेट करेंगे। एंड जो हमारा ये रोम्बिक सल्फर होता है, दिस इज इनसॉल्युबल इन वाटर बट इट डिसॉल्व्स टू सम एक्सटेंट इन द बेंजीन, अल्कोहल एंड ईथर। और जो हमारा ये रोम्बिक सल्फर है ये हमारा रेडिली सॉल्युबल है किसमें, CS2 में, दैट इज द कार्बन डाइसल्फाइड। नेक्स्ट कम्स द मोनोक्लिनिक सल्फर, दैट इज द बीटा सल्फर। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कितना होता है, 393 केल्विन एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी इज 1.98 एंड दिस वन इज आल्सो सॉल्युबल इन CS2। ये जो फॉर्म है हमारी सल्फर की, इसे हम कैसे प्रिपेयर करते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया कि जब हम हमारे रोम्बिक सल्फर को मेल्ट करेंगे, किसी भी एक चाइना डिश ले लीजिए एंड फर्दर इसको कूल करेंगे, तो क्या होगा कि यहाँ पे कि इसमें क्या होगा, क्रस्ट फॉर्म हो जाएगा। तो जब तक क्रस्ट जो है वो फॉर्म ना हो जाए तब तक आप इसको कूल करें। अब क्या करें, इसके अंदर दो होल्स बना दीजिए। तो जो हमारा क्रस्ट फॉर्म होगा उसमें हम होल्स बनाएंगे और जो हमारा रिमेनिंग लिक्विड होगा उसको हम बाहर फेंक देंगे। तो ऑन रिमूविंग द क्रस्ट, कलरलेस नीडल शेप क्रिस्टल्स ऑफ बीटा सल्फर आर फॉर्म। तो इसके बाद क्या होगा, जब हम क्रस्ट को रिमूव कर देंगे तो अब क्या बनेगा, हमारा नीडल शेप क्रिस्टल्स बीटा सल्फर के फॉर्म हो जाएंगे एंड इट इज स्टेबल अबव 369 केल्विन एंड इससे कम टेम्परेचर पे ये क्या करता है, कन्वर्ट हो जाता है इनटू द अल्फा सल्फर। कन्वर्सली अल्फा सल्फर इट इज स्टेबल बिलो 369 केल्विन एंड इसके ऊपर क्या होगा, ये बीटा सल्फर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 369 केल्विन पे दोनों के दोनों फॉर्म्स जो है हमारी वो स्टेबल होती है और इस टेम्परेचर को हम कहते हैं ट्रांजिशन टेम्परेचर। सो 369 केल्विन इट इज द ट्रांजिशन टेम्परेचर। इससे कम टेम्परेचर होगा तो यहाँ पे हमारी अल्फा फॉर्म स्टेबल हो जाएगी, अगर इससे ज्यादा टेम्परेचर होगा तो यहाँ पे बीटा फॉर्म स्टेबल हो जाएगी। तो इस तरीके से ये आपस में कन्वर्ट होते हैं। बोथ दी रोम्बिक एंड मोनोक्लिनिक सल्फर, इनके अंदर कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, S8 एंड दीज S8 दीज आर पैक्ड सो एज टू गिव अ डिफरेंट क्रिस्टल स्ट्रक्चर। तो इनका जो पैकिंग है वो ऐसा है कि एक हमारे पास एक अलग टाइप का कुछ क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो है वो हमें मिलेगा। तो जो S8 जो होते हैं दोनों में, इट इज इन द फॉर्म ऑफ पकर्ड फॉर्म। इसका मतलब क्या हुआ कि जो S8 की जो रिंग होगी वो बेंट फॉर्म में प्रेजेंट होगी। उसकी शेप कैसी होगी, क्राउन शेप होगी इसकी। तो इसकी मैं आपको शेप दिखाती हूँ, फिर आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो ये यहाँ पे हमारा स्ट्रक्चर है S8 इन रोम्बिक फॉर्म, तो ये आपको क्राउन जैसा दिख रहा है और इधर ये यहाँ पे क्या है हमारा S6 फॉर्म, तो यहाँ पे ये चेयर फॉर्म में प्रेजेंट है। तो इस तरीके से ये इसकी फॉर्म्स हैं जिसमें हमारा जो सल्फर है वो एग्जिस्ट करता है। S8 में वो इस तरीके से एग्जिस्ट करेगा, एक क्राउन जैसे किंग का क्राउन है, और जब ये इस S6 में होगा तो इस तरीके से ये हमारा यहाँ पे चेयर की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। सो यहाँ पे हमारा ये नॉन प्लेनर हो गया।
तो ये हमारी इनकी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होगी कि किस तरीके से एग्जिस्ट करते हैं. सो देयर कैन बी सेवरल मॉडिफिकेशन ऑफ सल्फर. इसके अंदर 6 से लेके 20 सल्फर एटम्स पर रिंग प्रेजेंट हो सकते हैं एंड दिस हैव बीन सिंथेसाइज इन द लास्ट 2 डिकेड्स. तो यहाँ पे मैंने आपको S6 की शेप दिखा ही दी है. जब आपका टेम्परेचर जो है अराउंड 1000 केल्विन पहुंच जाता है तो आपकी कौन सी फॉर्म एग्जिस्ट करती है? S2 जो है आपकी डोमिनेंट स्पीशीज बन जाती है एंड लाइक ऑक्सीजन O2 ये पैरामैग्नेटिक होती है. तो अबव या ऑलमोस्ट अराउंड 1000 केल्विन पे आपकी S2 फॉर्म जो है वो एग्जिस्ट करेगी और ये क्या होगी? पैरामैग्नेटिक. तो ये हमारी सल्फर की दो फॉर्म्स थी. वन इज अल्फा फॉर्म एंड वन इज द बीटा फॉर्म. अब इसमें क्वेश्चन है विच फॉर्म ऑफ सल्फर शोज पैरामैग्नेटिक बिहेवियर. तो सल्फर की कौन सी फॉर्म पैरामैग्नेटिक होती है? तो हमने अभी डिस्कस किया कि जब ये वेपर स्टेट में होता है हमारा सल्फर दैट इज अराउंड 1000 केल्विन, तो क्या होगा कि जो सल्फर है हमारा वो कैसे एग्जिस्ट करता है? इट एग्जिस्ट एज S2 मॉलिक्यूल. और इस टू S2 मॉलिक्यूल्स में क्या है? दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो है हमारे वो प्रेजेंट होंगे इन दी एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. तो इस वजह से क्योंकि अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो इसका नेचर कैसा होगा? इट विल एग्जिबिट दी पैरा मैग्नेटिज्म. तो ये हमारे यहाँ पे स्ट्रक्चर की डिस्कशन थी. दिस वॉज ऑल अबाउट दी सल्फर एंड इट्स एलोट्रॉपिक फॉर्म्स. थैंक यू.